कहनी नहीं कहा
शुरू में कहूंगा और मेरा अभी का जो व्याख्यान होगा वो दो हिस्से में मैं बांटूंगा। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, मोटी मोटी बातें, और एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है। व्याख्यान के बाद का हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक होगा, व्याख्यान के पहले का हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक होगा। और मैंने इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए लाया है। तो व्याख्यान का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें मैं एक सीडी, लैपटॉप और एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको कुछ मुख्य मुख्य बातें आपके ध्यान में बिठाने की कोशिश करूंगा। हमारे भारत देश में जहां ये वैल्यू एडेड टैक्स का कानून आया है उसके बारे में 5-7 मिनट में कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश की संसद में बजट प्रस्तुत हुआ। फरवरी के महीने में हमारे देश के वित्त मंत्री श्री चिदंबरम ने बजट प्रस्तुत किया। 2-2.5 घंटे का उनका बजट भाषण था। मैं हर साल बजट भाषण बहुत ध्यान से सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, उसके पेपर्स मंगाता और उसको जानने समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बजट पूरे एक साल की सरकार की आवक और सरकार की जावक, माने आया हुआ पैसा और खर्च किया हुआ पैसा, उसका तो बताता ही है। इसके अलावा देश की परिस्थिति क्या है वो माहिती भी बजट से मिलती है। इस बार का जब बजट भाषण में सुन रहा था तो हमारे देश के वित्त मंत्री चिदंबरम ने बोलते बोलते बीच में कहा, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप। बजट भाषण बोलते बोलते बीच में एक वाक्य बोल दिया जो बहुत सरलता से हमारे सांसदों के कान से घुस के दूसरे से निकल गया, जबकि वो निकलना नहीं चाहिए था। उन्होंने बोल दिया, नाउ वी आर इन डेट, अब हम कर्ज के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, ये वित्त मंत्री ने कहा। ये जो एक शब्द है ना डेट ट्रैप, इसका मतलब क्या होता है, कर्ज का दुष्चक्र क्या होता है? कर्ज का दुष्चक्र होता है कि आपने कहीं से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है, कि अब उसको वापस देने की ताकत आपकी नहीं है, और उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। इन दोनों को मिलाकर परिस्थिति जो बनती है उसको डेट ट्रैप कहते हैं। भारत की सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि उस कर्ज के मूल धन को वापस देने की ताकत अब नहीं बची है, और उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि उस कर्जे का ब्याज भरने लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बात को कहते हैं नाउ वी आर इन डेट ट्रैप। इस बार के बजट में मैंने यह जानने की कोशिश की कि भारत सरकार ने कितना कर्ज ले लिया है। तो हमारे भारत सरकार में क्या क्या आता है? भारत सरकार में केंद्र की सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार, और 30 राज्यों के नीचे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों की सरकार होती है, ये तीनों मिलाकर भारत सरकार बनती है। तो इस बार के बजट के आंकड़े बताते हैं, और बजट के एक दिन पहले सरकार ने एक इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया था, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में तीन स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन तीनों के स्तर पर कुल कर्जा 18 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 18 लाख करोड़, 18 लाख कोटि। अगर
अगर इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो फेल हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में सिर्फ 12 अंक आते हैं और इसमें 12 से ज्यादा नहीं। 18 लाख करोड़ रुपए के कर्जे का अर्थ होता है हरेक भारतवासी के ऊपर 18,000 रुपए का कर्जा। ये तीन स्तर पर है, केंद्र सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, राज्य की जो 30 सरकारें हैं उनके ऊपर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ये लगभग इतना विदेशी कर्ज हमारे ऊपर हो गया है, अनेक अनेक संस्थाओं से ये कर्ज हमने लिया है, विश्व बैंक से लिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, अमेरिका से लिया है, जापान से लिया है, जर्मनी से लिया है, फ्रांस से लिया है, स्वीडन से लिया है, स्विट्जरलैंड से लिया है, तमाम पाश्चिमात्य देश, अनार्य देश जिनको हम कहते हैं महाराज श्री के शब्दों के अनुसार, सभी अनार्य देशों से हमने ये कर्ज ले लिया। अब संकट क्या है, हर साल इस कर्जे का ब्याज भरना है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। महाराष्ट्र राज्य जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, इस महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 1 लाख कोटी रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, 1 लाख करोड़ रुपए। और महाराष्ट्र सरकार का वित्त मंत्री श्री आर आर पाटिल ये बात को बार बार कह चुका है कि हमारी जो आमदनी होती है, महाराष्ट्र राज्य से मिलने वाला जो टैक्स है, जो टोटल टैक्स है, रेवेन्यू रिसीट है, वो हमारे खर्चे को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स से होने वाली जो आमदनी है वो कर्जे के ब्याज में और कर्मचारियों की पगार में ही खर्च हो जाती है। महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों की 1 साल की जो पगार है और महाराष्ट्र राज्य सरकार का 1 साल का जो कर्ज का ब्याज है, दोनों में उनकी आवक पूरी समाप्त हो जाती है, तो विकास करने के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो विकास के छोटे छोटे काम करने के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, फिर उस कर्ज का ब्याज भरना पड़ता है, फिर उस ब्याज को भरने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा एक दुष्चक्र देश में शुरू हुआ है। इस दुष्चक्र की सबसे गंभीर बात है कि जिनसे हमने कर्ज लिया है, अब उनकी हर एक शर्त को मानने के लिए हमारी सरकार मजबूर है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभी बजट सत्र में एक दिन व्याख्यान देते हुए कहा संसद में, लोकसभा में, कि जहां से हम कर्ज ले रहे हैं उनकी शर्तों को मानना हमारी मजबूरी, हम उनको ना नहीं कह सकते, वो जो भी कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि भारत का ये कानून बदल दो तो बदलना पड़ेगा, वो कहेंगे भारत में नया टैक्स लगा दो तो लगाना पड़ेगा, वो कहेंगे भारत के लोगों को जहर देके मार डालो तो उसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो जैसे कहेंगे हमको वैसे ही चलना पड़ेगा। ये हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद के बजट सत्र में 2 बार कहा, 1 बार नहीं 2 बार कहा, और हर बार उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमने जहां से कर्ज लिया है उनकी हर बात माननी है। अब अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में है कि हमने कर्ज लिया है तो उनकी हर बात माननी है, तो जो कर्ज देने वाले हैं उनकी बातें क्या हैं जो हमें माननी है। सबसे खराब बातें जो वो हमें कहते हैं मानने के लिए, उनमें से 3 बातें सबसे खराब है, वैसे तो सभी खराब है
लेकिन तीन सबसे ज्यादा खराब। जहां से हम कर्ज लेते हैं वो सबसे पहले हमको ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का कीमत गिरा दो। हमारी करेंसी है रुपया और अंतरराष्ट्रीय करेंसी है डॉलर या यूरो डॉलर। तो वो ये कहते हैं कि डॉलर और यूरो डॉलर की तुलना में आप रुपए की कीमत कम कर दो। ये वो सबसे पहली शर्त लगाते हैं। अगर हम उनसे ये कहें कि हम ये नहीं करेंगे तो कहते हैं फिर कर्ज नहीं मिलेगा आपको। और हमारी सरकार की हालत इतनी खराब है कि बिना कर्जे के बजट नहीं बना सकते, बिना कर्जे के किसी को पगार नहीं दे सकते। तो जैसे ही वो कर्ज लेते हैं तो पहली ही शर्त मानते हैं कि रुपए की कीमत गिरा दो। मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी माहिती देता हूं। जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन भारत महाराज जी कर्ज मुक्त देश था। 15 अगस्त 1947 की तारीख में भारत देश पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। हमने सबसे पहली बार कर्जा लिया 1952 में, जब हमारे देश में पंचवार्षिक योजना शुरू हुई। दूसरा कर्ज लिया 1957 में, तीसरा लिया 1962 में, और 62 में डबल कर्ज लिया महाराज जी हमने। पहला तो लिया पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना के लिए, और दूसरा लिया चीन से भारत पर जो हमला हो गया था उस चीनी हमले का सामना करने के। इसी तरह चौथी बार कर्ज लिया 1965 में, पाकिस्तानी हमला हुआ और हमले से देश को बचाना है। पांचवी बार कर्ज लिया 1967 में, छठी बार लिया 1971-72 में, और उस समय भी महाराज जी दो कर्ज लेने पड़े, डबल लेना पड़ा। एक तो पंचवार्षिक योजना के लिए, दूसरा बांग्लादेश बनाने के लिए। पाकिस्तान का हमला हुआ था 1971 में और उसका दुष्परिणाम बाद में बांग्लादेश रूप में आया। उसके बाद आगे कर्ज लिया 77 में, फिर 82 में, फिर 84 में, फिर ऐसे करते करते कर्ज लेते गए। 1991 तक हम जब कर्ज लेते थे तो उसका नियम यह था कि 2-3 साल 4 साल में एक बार लेते। 1991 में हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि भारत अब हर साल कर्ज लेगा। 1991 के पहले हर 2-3 साल 4 साल में या 5 साल में एक बार कर्ज लेंगे। 91 के बाद इस देश में एक नियम आया, उदारीकरण, गलती से उसको कह देते हैं उदारीकरण। वो उदारीकरण नहीं है, उदारीकरण। तो नियम बन गया हर साल हम कर्ज लेंगे। 1991 के पहले महाराज जी इस देश में नियम था कि केंद्र सरकार विदेशी कर्ज लेती थी और राज्य को बांटती थी जिसको जितनी जरूरत हो। 1991 में नियम बन गया कि अभी सीधे राज्य सरकार भी विदेशी कर्ज ले सकती है। फिर 1996 में नियम बना है इस देश में कि अब भारत का कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीधे विदेशी कर्ज ले सकता है। फिर 2004 में, पिछले साल महाराज जी, एक नियम बना दिया है सरकार ने कि अब भारत की कोई भी ग्राम पंचायत सीधे विदेशी कर्ज ले सकती। पहले केंद्र सरकार लेती थी, फिर राज्य सरकार ने लेना शुरू किया, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, अब भारत की ग्राम पंचायतें सीधे विदेशी कर्ज ले सकती हैं। और इस साल ये दुर्घटना हो गई, हिंदुस्तान की सबसे पहली ग्राम पंचायत जिसने विदेशी कर्ज लिया है वो कर्नाटक राज्य में है और उस ग्राम पंचायत का नाम है पुत्तूर। उडुपी जिले में है,
उडुपी दक्षिण कर्नाटक का आखिरी जिला है, उसके बाद केरल राज्य शुरू हो जाता है। तो उडुपी जिले की ग्राम पंचायत पुत्तूर, उसने इस साल 60 करोड़ डॉलर विदेशी कर्ज लिया है। उस ग्राम पंचायत के सरपंच से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया था। मैंने सरपंच को पूछा, भाई ये 60 करोड़ डॉलर जो आपने कर्ज लिया है, इसको वापस कैसे करेंगे? तो कहने लगा, राजीव भाई मैंने पूरी ग्राम पंचायत को गिरवी रख दिया है, मॉर्गेज। माने ग्राम पंचायत की सारी संपत्ति उसने गिरवी रख के 60 कोटी डॉलर कर्ज ले लिया। वापस कैसे करेंगे? वो कहता है ग्राम पंचायत की संपत्ति बिक जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने पूछा ये कर्ज किसके लिए लिया है? तो पूरी ग्राम पंचायत को पानी देना, पीने का पानी, उसके लिए पाइपलाइन बिछानी है, उसके लिए कर्ज लिया। मैंने उसको पूछा अभी क्या हो रहा है, तो कहने लगा पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पानी है पानी नहीं है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। पानी कब आएगा? तो पानी लाने के लिए अगले साल फिर नया कर्ज लेंगे। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि पानी आए तब जब कोई डैम हो, बंधारा हो, तालाब हो, जिसमें पानी इकट्ठा हो, वो पानी पाइपलाइन से गांव में जाए। वहां कोई तालाब नहीं है, बांध नहीं है, डैम नहीं है, बंधारा नहीं है, तो पानी तो मिलने से रहा, तो अगले साल बांध बांधने के लिए नया कर्ज लेंगे। इस साल पाइपलाइन डालने के लिए कर्ज ले लिया है। और उस पुत्तूर ग्राम पंचायत ने भारत की 6,32,000 ग्राम पंचायतों के लिए रास्ता खोल दिया है, अब सब कर्ज लेना शुरू करें। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमारे देश में एक व्यक्ति हुए चार्वाक, उनका एक फिलॉसफी था, उसको भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। वो फिलॉसफी यही था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पी। तो हमारे प्रधानमंत्री ने सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आप परिवार में हैं तो कर्जा लो, कर्जा लेके घर बांधो, कर्जा लेके कार खरीदो, कर्जा लेके क्रेडिट कार्ड रखो, कर्जा लेके शेयर बाजार में पैसा लगाओ, कर्जा लेके धंधा करो, कर्जा लेके कुछ भी करो, कर्ज की खुली छूट है। किसानों के लिए कह दिया तुम कर्जा लो और आत्महत्या करो, क्योंकि जितना कर्ज लोगे उतना ब्याज भरना है, ब्याज भरना है, पैसा नहीं है तो आत्महत्या करो। तो हर साल किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे व्यापारी मर रहे हैं, फंस रहे हैं। ये कर्जे का एक मकड़ जाल हिंदुस्तान में शुरू कर दिया है। जैसे अमरीका में होता है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है तो कर्ज में और मरता है तब भी कर्ज में, वही व्यवस्था अब हिंदुस्तान में लाई जा रही है। अब इसमें समस्या क्या आती है कि कर्ज लेना तो आसान है, पटाना मुश्किल है, क्योंकि ब्याज भरना पड़ता है और ब्याज की कई सारी शर्तें होती हैं, वो तकलीफ देता है। तो उनकी शर्तें क्या होती हैं? सबसे खराब शर्त होती है, आप कर्जा जिस दिन लोगे उसी दिन वो कहेंगे कि आपके रुपए की कीमत गिराओ। तो हमारी सरकार रुपए की कीमत गिराती है। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आजाद हुआ, कर्ज मुक्त देश था, उस दिन भारत का एक रुपया और अमेरिका का एक डॉलर दोनों बराबर थे। 15 अगस्त 1947 का कोई भी समाचार पत्र निकाल कर आप पढ़ना, क्योंकि उस जमाने में कुछ अखबार निकलते थे, एक अखबार निकलता था
हिंदुस्तान टाइम्स, एक निकलता था टाइम्स ऑफ इंडिया, एक निकलता था मुंबई समाचार। मुंबई समाचार आजादी के पहले का अखबार। आपके यहाँ कोई लाइब्रेरी में मुंबई समाचार की कॉपी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 की, उसके फ्रंट पेज पर रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है। राइट हैंड में कोने पर है, उसकी कटिंग मेरे हाथ में है, मेरी फाइल में। $1 बराबर है, ₹1 1 स्टर्लिंग पाउंड बराबर है। स्टर्लिंग पाउंड माने ब्रिटेन की करेंसी। ₹1 और 1 फ्रैंक फ्रांस की करेंसी, वो बराबर है। ₹1 और 1 ड्यूशमार्क जर्मनी की करेंसी, वो बराबर है। दुनिया में उस समय जितने भी बड़े देश माने जाते हैं उनका एक करेंसी और हमारा एक करेंसी बराबर है। कारण क्या है कि वो दिन तक भारत कर्ज मुक्त देश है, वो दिन तक हम कर्ज देने वाले देश हैं, लेने वाले नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत साहूकार था और भारत का कर्जा इंग्लैंड के ऊपर था, 1732 कोटी स्टर्लिंग पाउंड हमारा कर्ज इंग्लैंड के ऊपर था, जो हमने उनको दिया था 1939 में दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं था और हिटलर उनको मारने को तैयार बैठा था। तो हिटलर से इंग्लैंड को बचाने के लिए भारत के नागरिकों ने इंग्लैंड को मदद किया था और इंग्लैंड ने हमको वायदा किया था कि अगर भारत हमारी मदद करेगा दूसरे विश्व युद्ध में तो हम भारत को आजाद करेंगे जल्दी से। उस मदद के रूप में हमने 1732 स्टर्लिंग पाउंड उनको दे दिए, करोड़ स्टर्लिंग पाउंड उनको दिया था। उन्होंने वायदा किया कि जब भारत को आजाद करेंगे तो वापस देंगे, लेकिन वो आज तक हमने कभी वापस उनसे मांगा नहीं और उन्होंने कभी हमको दिया नहीं। 1952 में संसद में एक बार इस पर बात हुई और हमारे देश के कई सांसदों ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमने पैसा दिया था इंग्लैंड को, वापस ले लो। तो नेहरू जी ने कहा छोड़ दो, माफ कर दो, क्योंकि उनसे दोस्ती बनानी है अपने को। तो किसी ने कहा कि 250 साल हमारे ऊपर जो कुकर्म किया है, बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है, वो सभी भूल जाएं। तो नेहरू जी ने कहा हाँ, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सभी भुलाना पड़ता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें कह के वो सब उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अगर वही हमने वापस ले लिया होता तो हिंदुस्तान को पंचवार्षिक योजना को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी पैसे से हम देश का विकास कर सकते। खैर, वो हमने छोड़ दिया और हमने नया कर्ज लेना शुरू किया। और जब से कर्ज लेना शुरू किया उसी दिन से भारत के रुपए की कीमत कम होना शुरू हुआ और कम होते 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 आज लगभग $44 के आसपास आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमारे देश के रुपए की कीमत 4400% कम हो गई, 4400% रुपए की कीमत गिर गई, 44 गुनी रुपए की कीमत कम हो गई। जब रुपए की कीमत कम हुई तो डॉलर की कीमत बढ़ी। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम जो दुनिया के बाजारों को बेच रहे हैं वो सस्ता बिक रहा है और हम जो दूसरे बाजारों से खरीद रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। हम जो बेचते हैं, एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, निर्यात जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सस्ता जाता है। जैसे हम हीरे
हीरे जवाहरात निर्यात करते हैं। सोने चांदी हीरे जवाहरात का सबसे ज्यादा निर्यात इस देश से होता है। महाराज जी, इस देश के लोग बड़ी मेहनत से हीरे की घिसाई करते हैं और वो हीरा दुनिया के बाजार में हर साल 45,000 करोड़ रुपए का बिकता है। एक दिन मैंने उसका हिसाब निकाला कि 45,000 कोटी रुपए का जो हीरा हम दुनिया के बाजार को बेचते हैं, ये कब, जब 44 रुपया $1 है तब। मान लो $1 1 रुपया होता तो जितना हीरा हम बेच रहे हैं, इतना ही हीरा बेचकर हमको कम से कम 2.5 लाख कोटी रुपए मिलता, कम से कम। आज मिल रहा है मात्र 45,000 कोटी रुपए। मिलना चाहिए हमको 2.5 लाख कोटी रुपए, 2,50,000 कोटी रुपए हमें मिलना चाहिए। और अगर कुल निर्यात की बात करें, हीरे जवाहरात सोना चांदी चाय कॉफी पान और हमारे देश का बहुत अच्छे अच्छे किस्म के फल, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, बासमती चावल, जो कुछ भी हम दूसरे देश को निर्यात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश बादाम मुनक्का मखाने, ये सब कुछ जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक साल का लगभग $50 अरब है। अगर रुपया डॉलर बराबर होता तो यही निर्यात लगभग $2,500 अरब का होता। और $2,500 अरब का अगर निर्यात हम करते हर साल तो हिंदुस्तान 10 साल में सोने की चिड़िया हो जाता। भारत की एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाती, एक एक मंदिर इस देश में सोने चांदी का हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है? रुपए की कीमत गिरी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है। तो जो कुछ हम बेच रहे हैं वो कौड़ी के भाव में जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत देश का सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है हीरे चांदी हीरे जवाहरात सोने चांदी के बाद दूसरे नंबर पर, वो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। लोहा बनाने का कच्चा माल हम बेचते हैं, मैग्नीज ओर हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। 1956 में महाराज जी 7 रुपए किलो हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते थे। 1990 एक किलो कच्चा लोहा 7 रुपए में बेचते थे, आज वही लोहा 15 पैसे में बिकता है। जो लोहा हम 7 रुपए किलो में बेचते थे दुनिया के बाजार में कच्चा लोहा, वही लोहा अब हम 15 पैसे किलो में बेच रहे हैं। माने हर एक किलो लोहे के निर्यात पर 6.85 रुपए का हानि हो रहा है और हर दिन 2 करोड़ टन कच्चा लोहा इस देश से विदेश जा रहा है। एक टन में 1,000 किलो होता है, 2 कोटी में 1,000 का गुणा करो और उसमें 6.85 रुपए का और गुणा करो, हर दिन इतने 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान लोहे के निर्यात में। इसी तरह मैग्नीज ओर एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हम कॉपर का ओर एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, सिलसिलाई कपड़े खादी के कपड़े कॉटन के वस्त्र, ये सब जो हम कुछ बाहर बेचते हैं, ये सब में हमको भयंकर हानि होती है। क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत है, रुपया कमजोर है। डॉलर कमजोर मजबूत है क्योंकि वो हमने कर्ज ले रखा है डॉलर में। जिस करेंसी में आप कर्ज लेंगे उसकी कीमत बढ़ेगी और आपकी करेंसी की कीमत गिरेगी। इसका एक दूसरा दुष्प्रभाव और होता है महाराज जी, हम जब दूसरे देशों से कुछ खरीदते हैं, डीजल पेट्रोल केरोसिन एलपीजी सीएनजी के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं, वो महंगा हो जाता है। जो हम बेचते हैं वो सस्ता है, जो
खरीदते हैं महंगा है, सस्ता बेचे महंगा खरीदे तो घाटे का धंधा, और घाटे के धंधे को पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना, कर्ज का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना है। इस तरह के दुष्चक्र में हमारा देश अभी फंसा हुआ है। और ये कितना महंगा है, एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि डीजल पेट्रोल केरोसिन एलपीजी जो कुछ हम खरीदते हैं आज 45 रुपए लीटर हम पेट्रोल खरीदते हैं, 30 रुपए लीटर डीजल खरीदते हैं, 300 रुपए का एलपीजी गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, ये कब जब $1 है तब, मान लो सॉरी $1.44 है तब, मान लो $1 होता तो भारत ने कर्ज नहीं लिया होता, $1 होता तो पेट्रोल की कीमत ₹1 लीटर, ₹1.57 लीटर पेट्रोल हमें मिलता, डीजल की कीमत 40-45 पैसे लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर ₹15 या ₹20। दिल्ली से अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस दिल्ली आना ₹450 में, मुंबई से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई वापस आना एसी स्लीपर क्लास मुश्किल से ₹22-23 में। हर चीज इस देश में आज जिस कीमत पर मिल रही है उससे 40 गुनी सस्ती हो जाती सीधे सीधे अगर रुपया डॉलर बराबर होता। रुपया डॉलर कब बराबर होता, जब भारत कर्ज मुक्त होता, कर्ज नहीं लिया होता, अर्थात जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को दुष्चक्र में फंसाया है ईश्वर उनकी आत्मा को कभी शांति प्रदान न करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। हमारे देश में कहते हैं मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, मैं कहता हूं कि जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा दिया, जिंदगी भर उनकी आत्मा भटकती रहे, उनको कोई योनि न मिले, क्योंकि जितना बड़ा पाप कर्म वो करके चले गए अब उसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली 20 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। दुष्परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है, हम तो फंस गए कर्जे के चक्कर में, हमने कभी कर्ज मांगा नहीं, कर्ज सरकार ने लिया, नागरिकों को उसका भुगतान करना है। कैसे, कर्ज तो सरकार लेती है, कर्ज का ब्याज भरने के लिए वो टैक्स आपके ऊपर लगाती है और टैक्स हर साल इस देश में बढ़ता जाता है। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे खराब देशों में माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा टैक्स, इस देश में टैक्स 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 इतने ज्यादा हैं कि आपका दिमाग घूम जाए। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाना शुरू कर दूं कि आप कितना टैक्स भरते हैं सरकार, आप हिंदुस्तान की सरकार को 3 स्तर पर एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, दूसरा राज्य सरकार को देते हैं, फिर तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देते हैं, और अभी ग्राम पंचायत को भी देना शुरू हो गया है इस देश में। तो आप जो टैक्स भरते हैं वो 2 तरह के हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर के रूप में डायरेक्ट टैक्स, और एक तो इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के रूप में। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनकम टैक्स जो आप भरते हैं, और इनकम टैक्स का एक भाई है कॉर्पोरेट टैक्स जो आप कंपनी के रूप में भरते हैं, ये दोनों जो है ना वो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। इनको छोड़कर जितने भी टैक्स आप भरते हैं वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, सी एस
एसएससी को खत्म करके अब वैट लाया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स भरते हैं, एग्जिट टैक्स देते हैं, एंट्री टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं, सब तरह का जो टैक्स देते हैं आप, वो सभी इनडायरेक्ट हैं। दो टैक्स डायरेक्ट हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, ये टैक्स के रूप में आप जितना पैसा देते हैं भारत सरकार को, उसका मैंने इस साल के बजट में से हिसाब निकाला। हर साल महाराज जी भारत के लोग आज की तारीख में 7,50,000 करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं हर साल। भारत के 7,50,000 करोड़ रुपए केंद्र को, राज्य को और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तीनों स्तर पर कैसे भरते हैं, मैं आपको सरल सरल शब्दों में समझाता हूं। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, 45 रुपए का आता है। आपको मालूम है 1 लीटर पेट्रोल मात्र 12 रुपए का बनता है आज की तारीख। 1 लीटर पेट्रोल को भारत देश में जो कंपनी बनाती है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उनकी बैलेंस शीट के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए खर्च होता है। 7 रुपए खर्च होता है कच्चा तेल खरीदने में 1 लीटर, 5 रुपए खर्च होता है 1 लीटर कच्चे लीटर में पेट्रोल बनता है। अब उस पर 33 रुपए महाराज जी टैक्स लगता है। 12 रुपए लीटर में जो पेट्रोल उत्पादन होता है उस पर 33 रुपए टैक्स का लगता है। कहां से शुरू होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर सीएसटी, फिर राज्य के ऊपर लगने वाले तमाम कर, फिर बहुत तरह के दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। टोटल टैक्सेस 33 रुपए बैठता है, उत्पादन खर्चा 12 रुपए बैठता है, अर्थात पेट्रोल के खर्चे से ज्यादा पेट्रोल का टैक्स। आपने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, 33 रुपए सरकार के खजाने में जमा कर दिया टैक्स के रूप में। 2 लीटर पेट्रोल खरीदा, 66 रुपए जमा किया। हर दिन भारतवासी 500 करोड़ लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और 1 लीटर पे 33 रुपए टैक्स देते हैं, तो 500 कोटी में 33 का गुणा कर दीजिए, लगभग 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए का टैक्स हर दिन आप देते हैं पेट्रोल खरीदने में। इसी तरह डीजल का उत्पादन खर्च 10 रुपए लीटर है और उसका टैक्स 20 रुपए लीटर है। डीजल के उत्पादन खर्च से 2 गुना उस पर टैक्स। भारत के किसान 300 कोटी लीटर डीजल हर दिन खरीदते हैं और हर दिन 6,000 कोटी रुपए टैक्स का देते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी खरीदते हैं, आप मान लीजिए मुंबई में अपना घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको सीमेंट लगेगा। सीमेंट का एक पैकेट बाजार से 130 रुपए में आप जब खरीदते हैं तो उसमें 65 रुपए टैक्स जाता है। एक पैकेट सीमेंट का बनाने का खर्चा मात्र 65 रुपए ही आता है, 65 रुपए उसमें टैक्स जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने घर बनाया और 2 लाख रुपए का सीमेंट उसमें खर्च किया, तो 1 लाख रुपए आपने सीधे सरकार के खजाने में टैक्स का दे दिया। लोहा आप खरीदते हैं, लोहा लगाते हैं घर में, 27 से 30 रुपए किलो का लोहा मिलता है, 12 से 15 रुपए किलो का लोहा बनता है, उस पर लगभग उतना ही टैक्स आप देते हैं।
फिर आप ईंट खरीदते हैं, ब्रिक्स, 4 रुपए की अगर एक ईंट है तो 2 रुपए टैक्स में जाता है, 2 रुपए उसका उत्पादन खर्चा है। फिर ईंट के साथ बालू लगती है, बालू तो महाराज जी फोकट की आती है, उस पर भी टैक्स लगता है इस देश। बालू को कोई सरकार नहीं बनाती, वो ईश्वर देता है। पानी आता है बारिश का, पहाड़ों पे गिरता है, पहाड़ से बालू बहकर पानी के साथ आती है, नदी की तलहटी में जमा हो जाती है, वो बालू को सरकार हमें बेचती है, हमसे टैक्स भी लेती है, रॉयल्टी भी लेती है, बालू फोकट की होती है। फिर आप उसके बाद घर बन गया तो उसके बाद बिजली के तार डालते हैं, बिजली के तारों पर टैक्स है, बिजली के स्विच पर टैक्स है, बल्ब खरीदा, ट्यूबलाइट खरीदा, उस पर टैक्स है, बाथरूम बनाया उसमें जो कुछ लगाया उस पर टैक्स है, रसोई घर बनाया जो कुछ लगा उसमें टैक्स है। मैंने महाराज जी एक हिसाब निकाला कि 10 लाख रुपए का आदमी अगर घर बांधेगा तो कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स में चला जाएगा। मैंने हर आदमी जो घर बांध रहा है वो सरकार को टैक्स भर रहा है, और घर बांधा तब आपने टैक्स दिया, अब घर बंद गया उसके बाद जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से देना, वो जिंदगी भर देना, और वो स्क्वायर फिट के हिसाब से देना है, और उस घर के नीचे सड़क पर चलना है तो उसका टैक्स अलग से देना है, सड़क पर अगर गाड़ी चलानी है तो उसका टैक्स अलग से देना है। जिस दिन आप गाड़ी खरीदेंगे उस दिन एडवांस में सरकार पूरा टैक्स आपसे ले लेती है, अब वो रोड टैक्स के नाम पे आप दे देते हैं, फिर वही गाड़ी को जब सड़क पर लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स अलग से भरना पड़ता है, और वो टोल टैक्स का तो इतना बुरा हाल है महाराज जी, मुंबई से अगर पुणे चले जाए एक्सप्रेस हाईवे से तो 140 रुपए टोल टैक्स, 140 रुपए जाना, 140 रुपए आना, जितना डीजल खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा उस पर टैक्स लगता। रोड टैक्स दिया, फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है, टोल टैक्स अलग से देना है, रोड टैक्स अलग से देना है, फिर उसमें सरचार्ज अलग देना है, सेस अलग देना है, इतने इतने तरह के टैक्स सरकार हमसे ले रही है, फिर भी सरकार का पेट नहीं भर रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स। और मैं सरकार के नेताओं से जब बात करता हूं कि आपको शर्म नहीं आती है, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाओ तुम सब लोग, इतने हरामखोर हो, हम तुमको हर साल 7.5 लाख कोटी रुपए टैक्स भरते हैं और तुम हमको बीज नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, रहने को घर नहीं दे सकते, चलने को सड़क नहीं दे सकते, खाने को रोटी नहीं दे सकते, ऐसे हाल इस देश में। 105 करोड़ की प्रजा में 44 करोड़ की प्रजा ऐसी है महाराज जी जो शाम को भोजन नहीं कर पाती, वो संयम से भोजन छोड़ दे बात अलग है, खाने को चाहिए लेकिन है नहीं इस देश में। 50% आबादी हमारे देश की है जिसके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज जी 20 करोड़ परिवार इस देश में रहते हैं जिनमें से 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को बैठने के लिए संडास की व्यवस्था नहीं है इस देश में। 14 करोड़ परिवार, वो परिवार की माताओं बहनों को सड़क पर बैठना पड़ता है खुले में संडास के लिए। 3.5 लाख गांव हैं इस देश में जहां पीने का पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी सप्ताह में एक दिन या सप्ताह में 2 दिन अधिक से अधिक मिलता है, और कई गांव तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी लेने के लिए
मतलब पीने का पानी मिलता है। कई परिवारों की माताओं को सवेरे 3 बजे पानी लेने जाना, 6 बजे तक पानी लेके आना, खाना बना के फिर 8-9 बजे पानी लेने जाना, दोपहर 2 बजे तक पानी लाना, फिर शाम का खाना बनाना, फिर पानी लेने जाना, फिर वापस आना, जिंदगी उनकी पानी लाने में ही बीत जाती है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक कानून मंत्री को पत्र भेजा था और उनको मैंने पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा जो मुकदमे होते हैं वो किस बात पर होते हैं, तो उन्होंने कहा पानी के झगड़े में सबसे ज्यादा मुकदमे इस देश में होते हैं। नल के सामने सबका बाल्टी लगा हुआ है, पहले मुझे लेना कि पहले तुम्हें लेना, इसी में झगड़ा होता है और इसी में FIR होती है। माने जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है पीने का पानी, सांस लेने को हवा, वो हमारे देश की सरकार हमारे लाखों गांव को नहीं दे पा रही है। इनको 7.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स लेने का अधिकार क्या है? ये बात जब मैं उनसे कहता हूं, नेताओं के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है, जवाब नहीं देते हैं। मैं कहता हूं उनको कि भाइयों, तुम्हारी उस दिन तक जय जयकार है वो टैक्स भरते हैं और उसके बाद पीने का पानी नहीं मिलता, चलने को सड़क नहीं मिलती, खाने को रोटी नहीं मिलती, वो आपकी बोटी नोच के खा जाएंगे इस देश में। तुम उस दिन तक ईश्वर से प्रार्थना करते रहो जब तक इस देश की प्रजा को ये माहिती नहीं है। जिस दिन ये माहिती होना शुरू हो गई, उस दिन इस देश की प्रजा तुमको सड़क पे खड़ा नहीं रहने देगी। ऐसे हरामखोरी का शासन आया है। आजादी के पहले जितनी हरामखोरी होती थी, आजादी के बाद उससे कई गुनी ज्यादा हो गई है। अंग्रेज जितना टैक्स कभी नहीं ले पाया इस देश से, उससे ज्यादा टैक्स अब इस सरकार ने लेना शुरू किया है। और इतना टैक्स लेने पे भी दिल नहीं भरता उसका। मैं भारत देश की सरकार की तुलना एक दारू पीने वाले पति के साथ, एक शराबी पति होता है, वो रोज अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज पैसा दे दे पीने के। बीवी सोचती है कल सुधर जाएगा, चलो आज दे दो। वो बीवी से लेके जाता, अगले दिन फिर आता है, कहता कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज और दे दे। फिर कल उसका कभी आता नहीं। भारत सरकार की यही हालत है दारू पति के जैसे, जो भारत के नागरिकों के सामने सरकार आती है कहती है आज ये टैक्स दे दो, 2 साल के बाद हटा देंगे, 3 साल के बाद हटा देंगे, 5 साल के बाद हटा देंगे, लेकिन वो कभी हटता नहीं। आप बहुत सारे व्यापारी बंधुओं को मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ। 1959 और 60 में जब सेल्स टैक्स आया इस देश में, तो केंद्र सरकार ने वायदा किया देश के लोगों से, और वो वायदा प्रधान वायदा था, कोई साधारण व्यक्ति का वायदा नहीं था, कि जैसे ही ये सेल्स टैक्स आएगा हम CST हटा देंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स हटा देंगे। परिणाम क्या हुआ? सेल्स टैक्स भी आया, 45 साल रहा, लेकिन CST भी रहा, उसको आज तक हटाया नहीं। माने इतने झूठखोर प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं कि संसद में वायदा करें, लोगों से वायदा करें, फिर टैक्स कानून वापस न लें। माने सरकार की हालत है नए नए टैक्स लगाना, नए नए टैक्स लगाना, टैक्स एक भी वापस नहीं लेना। और टैक्स ज्यादा से ज्यादा जब लगता है किसी देश में, उसका एक ही दुष्परिणाम होता है, जिस समाज पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होता है वो समाज की वास्तविक आमदनी जिसको हम कहते हैं। अगर टैक्स ज्यादा होगा तो रियल इनकम कम होगी। कैसे होगी? आप जितनी कमाई कर रहे हैं वो आपकी जेब में नहीं रहे।
रहेगी, टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाएगी, और सरकार हमारे लिए गए टैक्स के पैसे से न कभी मंदिर बनाती है, न कभी धर्मशालाएं बनाती है, न कभी पानी की व्यवस्था करती है, न भारत के गरीब लोगों की कोई मदद करती है। वो टैक्स का पैसा जो हम देते जाते हैं उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? विदेशी कर्जे का ब्याज भरने में। और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेकर और जो चतुर्थ क्लास कर्मचारी है कारपोरेट, उसकी पगार भरने में। हमारे भारत देश में ब्याज का खर्च इतना ज्यादा हो गया, हर साल 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का हम ब्याज भरते हैं। ऊपर से राष्ट्रपति से लेकर और नीचे चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक को पगार का जो खर्चा है, आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 25 करोड़ रुपए। जब भी राष्ट्रपति बैचलर है, ब्रह्मचारी है, अकेला है, बीबी लालू यादव देश का राष्ट्रपति बना तो आप जानते हैं लालू यादव बैचलर नहीं है और उसके घर में पूरी क्रिकेट टीम 11 लोग हैं, पति पत्नी 2 और 9 बच्चे। राबड़ी देवी भला हो उसका, 9 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी हैं और साली साले अगर सब मिला दिए जाए तो पूरा कुनबा 56 लोग हैं महाराज जी उस परिवार। ये कभी अगर राष्ट्रपति बन के पहुंच गया गलती से, क्योंकि रेल मंत्री तक तो हो गया है, राष्ट्रपति भी होने की शक्यता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक अद्भुत देश है। जो आदमी किसी स्कूल का चपरासी नहीं हो सकता वो इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है। जो आदमी इस देश में दुकान नहीं चला सकता वो इस देश में वाणिज्य मंत्री हो सकता है। जिसको फाइनेंस का ABCD नहीं मालूम वो वित्त मंत्री हो सकता है, और जिसको शिक्षा का ABCD नहीं मालूम वो शिक्षा मंत्री हो सकता है, और जिसको कुछ नहीं मालूम वो प्रधान। हमारे देश का विचित्र अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी पर शासन करे वो समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। जब अज्ञानी लोग ज्ञानियों पर शासन करेंगे देश ऐसे ही चलेगा जैसे चलता है। आज तो दुर्भाग्य है कि भारत के राष्ट्रपति बैचलर है। अगर जो कभी शादीशुदा व्यक्ति राष्ट्रपति हुआ तो ये 25 करोड़ का खर्चा कहां जाएगा? उपराष्ट्रपति का साल का खर्चा 22 करोड़ है, प्रधानमंत्री का साल का खर्चा 20 करोड़ है, उप प्रधानमंत्री का 18 करोड़ है, पूरे मंत्रिमंडल का साल का खर्चा 350 करोड़ है। 28 अब तो 30 राज्य हैं, हर एक मुख्यमंत्री और उसके साथ मंत्रियों का खर्चा एक दिन मैंने पूरा जोड़ा 77,000 करोड़ रुपए। इस देश की सीमा की रक्षा करने वाली जो आर्मी है उसका खर्चा भारत के हरामखोर नेताओं के खर्चे से कम। हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले जो सैनिक हैं, आर्मी में काम करते हैं, उनका एक साल का खर्चा भारत के भ्रष्टाचारी नेताओं के खर्चे से कम है। ये स्थिति इस देश तो ये जो सारे खर्चे होते हैं वो आपके टैक्स के पैसे से होते हैं। फिर इसके ऊपर भ्रष्टाचार अलग होता है महाराज जी, ये तो पगार का खर्चा है। ऊपर से भ्रष्टाचार के बारे में अब सरकार का ही एक कमीशन कहता है, मैं नहीं कहता, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलता है कि हर साल भारत में
80 से 85,000 कोटि रुपए का घोटाला होता है हर साल, हर साल, इससे कम नहीं होता। और अगर कभी कभी कोई कोई साल तो विचित्र निकल आता है, जिस दिन घोटाला और महा घोटाला, जैसे पिछले साल एक घोटाला हुआ अब्दुल करीम तेल की घोटाला, 35,000 कोटि का घोटाला एक ही आदमी कर दिया। एक जमाने में बोफोर्स घोटाला हुआ था महाराज जी 170 कोटी रुपए का, आज 35,000 कोटी रुपए का करीब तेल घोटाला हो चुका। तो ये घोटालों में 80-85,000 कोटी अलग खर्च होता है, पगार में 77,000 कोटी खर्च होता है, 1.5-2 लाख कोटी ब्याज में जाता है, इतना ही पैसा हमारे देश के नेताओं के ऊपर खर्च होता है। फिर इसके बाद हमारे देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवल फोर्स के ऊपर कुल खर्चा होता है, तो सरकार की पूरी आमदनी इसी में चली जाती है। फिर विकास का छोटा सा भी काम करते हैं तो नया कर्ज लेते हैं और फिर कर्जे के चक्कर में फंसते हैं। अब मैं मूल विषय पे आता हूं, ये तो हुई भूमिका। अब जो कर्ज देने वाले देश है वो हम पर नई नई शर्तें लगाते जाते हैं। एक शर्त लगा दिया रुपए की कीमत गिराओ, दूसरी शर्त लगा दिया गेट करार साइन करो, WTO एग्रीमेंट साइन करो, विश्व व्यापार संगठन समझौते को मानो, तुम्हारे हित के विरुद्ध है तो भी मानो। और हमारी सरकार ने इसी कर्जे के चक्कर में 1994 के साल में 15 दिसंबर को एक गेट करार साइन कर दिया, WTO एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसकी शर्तें हैं लगभग 2000। गेट करार में, WTO एग्रीमेंट में 2000 शर्तें हैं, 2000 से थोड़ी ज्यादा हैं, कम नहीं। और उन 2000 शर्तों के लिए 28 अध्याय उसमें बने हुए हैं, 28 चैप्टर। कुछ कुछ चैप्टर के नाम उसमें दिए हुए हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये एक है, उसमें 56 शर्तें हैं। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल वो एक चैप्टर है, उसमें 65 शर्तें हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एक चैप्टर है, उसमें 78 शर्तें हैं। ऐसे 28 अध्याय हैं, कुल 2000 शर्तें हैं। उन्हीं में से महाराज जी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि गैट करार साइन करने वाले देशों में जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा, बहुतांश, बहुतांश माने ज्यादा से ज्यादा देशों में जो टैक्स का स्ट्रक्चर होगा वही दूसरे देशों को भी लागू करना पड़ेगा, ये उसमें एक शर्त है। अब देखिए, गेट करार सही किए हुए देश हैं लगभग 124, एक और भी है 124। 124 देशों में जो ज्यादा से ज्यादा देशों में टैक्स का स्ट्रक्चर होगा वही भारत को भी लागू पड़ेगा। तो ये जो देशों ने गेट करार सही किया है उसमें से एक देश को छोड़कर, एक देश माने अमेरिका, अमेरिका को छोड़कर सभी देशों में वैल्यू एडेड टैक्स है, तो भारत को भी यही टैक्स लागू करना पड़ेगा, यह है उसकी शर्त। अब गेट करार सही हमने किया 15 दिसंबर 1994 को, उसके लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2005, और भारत सरकार ने घोषणा किया कि 1 अप्रैल 2005 से हम वैट को लाएंगे। माने गेट करार की शर्त को पालन करने के लिए भारत सरकार एक नया कानून लाई है जिसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का कानून बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक समिति की स्थापना किया, उस समिति का अध्यक्ष बनाया असीम दास गुप्ता, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने एक बार उनको एक लेटर भेजा था, खत भेजा था कि आप ये जो वैट का कानून ला रहे हैं वो किसके लिए ला रहे हैं, हमने कभी बोला नहीं, भारत की प्रजा ने कभी मांग नहीं किया कि हमारे ऊपर वैट लाओ, भारत के व्यापारी और उद्योगपतियों ने कभी मांग नहीं किया कि हमारे ऊपर वैट लाओ, भारत के शेतकरी बांधवों ने, खेडूतों ने कभी मांग नहीं किया हमारे ऊपर वैट लाओ। भारत की प्रजा मांग करती नहीं है, व्यापारी उद्योगपति मांग करते नहीं है, तो फिर आप लाते किसके लिए। तो कहने लगा हम WTO की कंडीशन पूरी करने के लिए वैट लाए। तो ये WTO की कंडीशन में वैट है इसलिए सरकार लाई है।
अब मैंने एक बार असीम दास गुप्ता को एक पलट प्रश्न किया जिसका आज तक उत्तर नहीं दिया कि ठीक है WTO की कंडीशन है तो भारत को वैट लाना है, अमेरिका को क्यों नहीं लाना? अमेरिका ने भी WTO साइन किया है, अमेरिका भी विश्व व्यापार संगठन समझौते का सदस्य है, तो अमेरिका तो वैट लाता नहीं है, आप क्यों वैट ला रहे हैं? इसका आज तक उत्तर नहीं है। मैंने इसका उत्तर जानने की कोशिश की कि अमेरिका नाम के देश ने वैट क्यों नहीं लाया आज तक, क्योंकि अमेरिका तो बहुत प्रोग्रेसिव देश है ना, बहुत मॉडर्न देश है, बहुत आधुनिक देश है, बहुत प्रगतिशील देश है, बहुत तेजी से तरक्की पसंद देश है। अगर इतना तरक्की पसंद देश है, इतना प्रगतिशील है, इतना तेजी से आगे बढ़ने वाला है, तो वो वैल्यू एडिड टैक्स क्यों नहीं लाया अपने देश में अभी तक? ये जानने की जब मैंने कोशिश की तो मुझे माहिती मिली कि अमेरिका की संसद में पिछले 20 साल से बहस हो रही है लेकिन वैट का कानून लागू नहीं हो रहा। बहस हो रही है, कानून लागू नहीं हो रहा। कारण क्या है? अमेरिका में दो राजकीय पक्ष है, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेट। दोनों राजकीय पक्ष के जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बहस कर रहे हैं संसद में, कानून नहीं लागू कर रहे। उनमें से एक एमपी है, उसको मैंने ईमेल किया, उसका नाम है फ्रैंक पॉलेन। मैंने उसको एक ईमेल किया और पूछा कि आपके देश की संसद में 20 साल से बहस होती है, आप वैट क्यों नहीं लाते हैं? और WTO की भी कंडीशन है फिर भी आप वैट नहीं लाते हैं, इसका कारण क्या है? फ्रैंक पॉलेन ने कहा कि हमारे देश में अगर हम वैट लाएंगे तो हमारी आर्थिक व्यवस्था टूट जाएगी, इसके लिए हम वैट नहीं लाते। मैंने उसको पूछा आपकी आर्थिक व्यवस्था कैसे टूट जाएगी? वो कहता है कि हमारा देश अमेरिका कैसा देश है, हमारे यहाँ कोई वस्तु जब बनती है किसी कारखाने में और ग्राहक के हाथ में जब पहुंचती है तो कम से कम 3-4 बार वो अलग अलग लोगों के पास से गुजरती है। वो स्टॉकिस्ट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, एरिया रिटेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। और वैल्यू एडेड टैक्स की डेफिनेशन है कि कोई वस्तु जितनी बार बिके, जितनी बार उसमें वैल्यू एडिशन हो, जितनी बार उसमें मूल्य का बढ़ना हो, उतनी बार उस पर टैक्स लगे। तो वो कहते हैं कि अमरीका में माल बनाने से माल बिकने तक 3-4 चरण में वस्तु घूमती है, अगर हम वैट लाएंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी कॉलेप्स हो जाएगी, इसलिए हम वैट नहीं लाते। एक बात। दूसरी बात उसने कही, हमारा जो संविधान है अमेरिका का, वो राज्यों के विशेष अधिकार की बात करता है, और अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर एक राज्य को उतनी ही ताकत है जितनी अमेरिका की सरकार। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये अमेरिका की केंद्र सरकार है, और अमेरिका में 50 राज्यों की राज्य सरकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार बराबर है, केंद्र को कुछ टैक्स लेने का अधिकार है तो राज्य को भी विशेष टैक्स लेने का अधिकार है। और अमेरिका के संविधान में बिक्री कर सेल्स टैक्स राज्य के विशेष टैक्स के अधिकार कानून में आता है, और वैट लाने से वो सेल्स टैक्स हटाना पड़ता है, राज्यों के अधिकार खत्म होते हैं। इसलिए वो कहते हैं हम हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए वैट नहीं लाते। वो कहते हैं हमारा संविधान संघीय संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम इसलिए वैट नहीं लाते। ये दो बातें, ये दोनों बातें भारत पे भी लागू होती है। भारतीय संविधान भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बस इतना ही अंतर है कि भारत में एक केंद्र सरकार है और 30 राज्य सरकार है, अमेरिका में एक केंद्र सरकार है, 50 राज्य सरकार है, नंबर का फर्क है। दोनों ही जगह राज्यों को विशेष अधिकार है, और भारतीय संविधान में भी बिक्री कर का विशेष अधिकार राज्य को है, लेकिन हमारी सरकार उसका उल्लंघन करके वैट ला सकती है, अमेरिका की सरकार कहती है हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर मैंने फ्रैंक पॉलेन को पूछा, अगर आपके संविधान का आप उल्लंघन नहीं कर सकते तो WTO की शर्त का उल्लंघन कैसे कर सकते? तब उसने मुझे बताया कि हमने WTO को साइन करने के पहले हमारे संविधान में
और वो संशोधन ये है कि जब भी अमेरिका का संविधान और दुनिया का कोई भी समझौता एक दूसरे के विपरीत होंगे हमेशा तब अमेरिका का संविधान ही लागू होगा, समझौते की कोई ताकत नहीं होगी। ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। कोई इंटरनेशनल ट्रीटी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का झगड़ा होगा, देन ऑलवेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। फ्रैंक पॉलन ने मुझे ये कहा, यही बात मैंने भारत के दो मंत्रियों को कही और वो दोनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कि आपको इतनी अकल नहीं थी WTO साइन करने के पहले। अमरीका के लोगों को ये अकल है कि संविधान संशोधन कर लिया और संशोधन ऐसा किया कि अंतरराष्ट्रीय संधि और अमरीका का संविधान में झगड़ा है, तो संविधान अमरीका का महत्वपूर्ण है, संधि का कोई महत्व नहीं है। ये भारत में भी अगर हम करते तो हमारे ऊपर ये वैट लागू नहीं होता। तो जिस व्यक्ति को मैंने भारत जी ये कही थी, वो व्यक्ति मुझको बोला अंग्रेजी भाषा, वो भारत का एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता बैगर्स हैव नो चॉइस। बैगर्स हैव नो चॉइस। और ये व्यक्ति जिसने मुझे ये कहा, उसका नाम है इंद्र कुमार गुजरा, जो भारत में प्रधानमंत्री रह चुका है, वो कहता हम भी ये कर सकते थे संविधान संशोधन, लेकिन चूंकि हम भिखारी हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो हाथ फैला के अमरीका के सामने खड़े हैं भीख मांगने के लिए, जो कर सकता है वो अमरीका कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। बैगर्स हैव नो चॉइस। तो इस कारण से हमने तो संविधान संशोधन बिना किए गेट करार सही कर दिया, तो गेट की हर एक शर्त हमारे ऊपर अब भारी पड़ने वाली है। अमरीका ने संशोधन करके गेट करार सही किया, तो कोई भी काम जो अमरीका विरोधी है गेट के अंदर है, अमरीका उसे नहीं माने तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक वो कहावत भी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत जिसके हाथ में है, कानून उसके पक्ष में है, नियम उसके पक्ष में है, संधि उसके पक्ष में। आज अमेरिका के हाथ में ताकत है तो सब कानून सब संधि सब नियम उसके पक्ष में है। दुनिया का कोई भी कानून कोई भी नियम अमेरिका जब चाहे तब तोड़ सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आपने देखा दुनिया के सारे नियम तोड़कर उसने इराक पर हमला किया, पहले दुनिया को बताया कि उसके पास परमाणु बम है, एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, इराक के पास कोई बम तो क्या बंदूक की गोली नहीं निकली, ना एटम बम, ना एटम बम, ना हाइड्रोजन बम, ना कोई बम। फिर अमरीका ने हमला किया तो कहता हाँ किया, अभी जिसको जो करना है कर ले, किसी ने क्या कर लिया उसका। यूनाइटेड नेशंस जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था भी अमरीका की हाजी 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 करती रहती। अफगानिस्तान पे हमला किया, किसी ने क्या कर लिया। जापान के ऊपर दो एटम बम गिरा दिए अमरीका ने, किसी ने क्या कर लिया उसका। कोरिया के ऊपर बम गिराया उसने, किसी ने क्या किया। वियतनाम के ऊपर बम गिरा दिए, किसी ने क्या किया। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है वो भी होता है, कोई संधि हो कोई नियम हो कोई कानून हो, अगर आपकी ताकत है तो सारे नियम कानून आपकी जेब में है, और अगर ताकत नहीं है तो वही नियम कानून आपके लिए फांसी का फंदा है। तो अमरीका तो गेट करार सही करने के बावजूद वैट नहीं लाया तो कोई उसको कुछ नहीं कह सकता। हमने सही कर दिया है गेट करार तो वैट लाना हमारे लिए कंपलसरी हो गया, ये हमारी सरकार कहती है। अब ये जो शर्त है WTO की जिसके आधार पर वैट आया है, उस वैट को हिंदुस्तान की सरकार ने एक ड्राफ्ट बना के भारत के 30 राज्यों की सरकार को दे दिया, ऐसा ऐसा कानून बना दो। 30 में से 22 राज्यों ने कानून बना के लागू कर दिया, और जिन राज्यों ने कानून बना के उसको लागू किया उनकी स्थिति क्या है। 15 मार्च को सरकार ने ड्राफ्ट दिया, 15 मार्च को, और 30 मार्च को ज्यादातर सरकारों ने कानून बना के लागू कर दिया। कुछ राज्य सरकारों की तो यह स्थिति थी कि उनको ड्राफ्ट 27 मार्च को मिला और 30 मार्च को कानून बन गया और 1 अप्रैल से लागू हो गया। कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। और मजे की बात यह है कि यह भारत में पहला ऐसा एक कानून बना टैक्स का जिसको बनाने वालों को मालूम नहीं है कि कानून क्या है। मैं महाराज जी आपसे बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, कानून बनाने वालों को माहिती नहीं कानून क्या है, क्योंकि जब ये कानून बन गया मेरे जैसे कुछ लोगों के हाथ में वो ड्राफ्ट
बार कर्नाटक राज्य सरकार के वित्त मंत्री को मैंने वो कानून की फोटोकॉपी और मेरे एक चिट्ठी के साथ भेजा, आपने ये पढ़ लिया, इसमें क्या क्या लिखा है आपको अंदाजा है? तो वहां का वित्त मंत्री सिद्धरमैया बोलता नहीं, अभी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली है, कानून बन गया पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। किसने पढ़ लिया आखिर? वो अधिकारियों ने पढ़ लिया। अधिकारियों को जनता से क्या लेना देना है? अधिकारियों की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी जवाबदेही मंत्रियों के प्रति है, मंत्रियों की जवाबदेही जनता के प्रति है, उन्होंने नहीं पढ़ा है और कानून बन गया। कई राज्यों में मंत्रियों ने यह कहा कि हमको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि एक दिन पहले कानून बना, अगले दिन लागू हो गया, हम उसमें कोई बहस नहीं कर सके, सुझाव नहीं दे सके। ऐसी स्थिति में इस देश में आए तो परिणाम क्या हुआ है? अधिकांश लोगों को माहिती नहीं है वैट क्या है, जिनके ऊपर लागू हो रहा है उनको माहिती नहीं है, जिनके द्वारा लागू किया जा रहा है उनको माहिती नहीं है। और मैं आपको एक हास्यास्पद बात बताता हूं, पिछले 2.5-3 महीनों से ज्यादा व्याख्यान वैट पे कर रहा हूं, और बड़े बड़े व्याख्यानों में ऑफिसर आके सामने बैठते हैं, कमिश्नर आके बैठता है, मैं पूछता हूं तुम क्यों आए हो, क्योंकि मैं तो तुमको गाली देने वाला हूं, तो उसने कहा आपके व्याख्यान से माहिती मिलती है कि वैट क्या है। हमको तो कोई माहिती नहीं दे रहा है कि वैट क्या है, लागू ऑफिसर को करना है, उसको माहिती नहीं है वैट क्या है। वो कहता अभी सरकार हमारा एक वर्कशॉप करने वाली है, फिर दूसरा वर्कशॉप होगा, फिर तीसरा वर्कशॉप होगा, धीरे धीरे माहिती मिलेगी, फिर हम लागू करेंगे। तो सभी